स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा सांसद पर हल्ला बोल आंदोलन 7 अप्रैल 2022 को किया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान पूर्व विधायक वामन राव चटप द्वारा दी गई है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा 19 उपास से पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है। कई सरकारें आई लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। 1999 में भाजपा द्वारा भुवनेश्वर में पृथक विदर्भ राज्य निर्मिति का प्रस्ताव पारित किया था। 2014 में महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा कहा गया, केंद्र में अगर भाजपा की सरकार होगी तो पृथक विदर्भ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन दिए हुए आश्वासन पर भाजपा खरी उतरी नहीं। इसलिए अब आंदोलन का हथियार लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा सांसद पर हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान वामन राव चटप द्वारा दी गई है। निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आंदोलनाचा 2 टप्पे झाले, आता 3रा टप्पा नव्या दिल्लीला आहे। नव्या दिल्लीला विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि त्यांचे सगळे सहकारी जाऊन दिल्लीला जंतर मंतरवरती केंद्र सरकारला ठणकावून सांगणार आहे की विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य देता की खुर्चीतून जाता, एवढी स्पष्ट सांगायचं आहे, तयारी केली आहे। शिवाय ज्यांनी आम्हाला लिहून दिलं गडकरी साहेबांनी किंवा त्यांच्या नेत्यांनी जागर केला होता विदर्भाचा, फडणवीस साहेबांनी यांनी, त्या भुजेत नाही बळ, आता विदर्भ सोड पळ, महाराष्ट्रवाद्यांना विदर्भ सोडा, आणि अशा तऱ्हेने आम्ही केंद्र सरकारला इशारा कम वार्निंग द्यायला चाललो, कारण 2023 पूर्वी याचं देखील याचा डोळा अभिनय तो कमी वाटेल ते सहन करू, पण 2023 आधी आम्ही विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य मिळवून राहू। 116 साल पुरानी मांग को पूरी करने एवं 2023 तक पृथक विदर्भ का निर्माण हो, इसलिए अब तीव्र आंदोलन की जरूरत है। इसीलिए यह आंदोलन 7 अप्रैल 2022 को दिल्ली स्थित जंतर मंतर से संसद पर हल्ला बोल किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।